ये बस एक छोटा सा रिवाज ही तो है। चिंता मत करो मेरी फूलों की डाली, मैं पूरी तरह होशियार रहूंगा। पश्चिमी हवाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारी डैडी रवि जल्द ही लौट आएंगे, तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए लकी पौधा ढूंढने गए हैं। जंगल के राजा करेंगे मदद, डरने की नहीं है बात, हम आएंगे करने मदद। मोगली, बलू, रवि को कुछ हो गया है, मुझे अपने दिल में महसूस हो रहा है। क्या कह रही हो वीरा, रवि कहाँ पर है? सफेद पहाड़ी पर, वो सरसों का पौधा लाने गया है। वो सफेद घाटी जहाँ पश्चिमी हवाएं बहती रहती है, जहाँ तुम पंछी कभी नहीं जाते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। हमारे अंडे को बचाने और उसके लक के लिए जरूरी था, रवि ने जिद पकड़ ली, अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है रास्ते में उसे चोट लग गई हो। हमें जल्दी उसे ढूंढकर वापस लाना होगा, चील की मदद लेनी होगी। चील, वीरा और मैं उड़कर सफेद पहाड़ी पर जाएंगे। मैं अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन तुम रवि से जुड़ी हुई हो, अगर हमें उसे ढूंढना है तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मोगली ने सही कहा, सिर्फ तुम ही उसे मीलों दूर से भाप सकती हो। सही कहा, और इसलिए बलू तुम्हारे अंडे को गर्म रखेगा। हाँ? क्या? ओ नहीं, नहीं, नहीं। कम ऑन बलू, जंगल के राजा करेंगे मदद, डरने की कोई नहीं है बात, हम आएंगे करने मदद, चाहे झाड़िया हो या कीचड़। क्यों ना हम बघीरा से जाके पूछें? बघीरा शिकार पर गया है, भूल गए क्या? बलू तुम उड़ नहीं सकते। ना ही मेरे पीठ पर बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास मुलायम और गर्म फर है, रवि और वीरा का अंडा बिल्कुल आराम से तुम्हारे पास सोएगा। अंडा मुझे दे दो। तुम एक बहुत अच्छे भालू हो। अंडे का ख्याल रखना बलू। मुझ जैसा एक भालू तुम्हें गर्म कैसे रख पाएगा, वो भी बिना तोड़े। तुम कितने नाजुक हो। नहीं, 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 नन्हे अंडे। पकड़ो मीरा। वापस तुम्हारी तरफ मोना। मुझे वो अंडा वापस दो, मुझे उसे गर्म रखना है। क्या तुमने सुना मोना, बलू एक पंछी बन गया है, अब वो अंडे दे रहा है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वो अंडा वापस करो, वो अंडा वीरा और रवि का है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले लो। वो अंडा मुझे दे दो माशा, ये वीरा और रवि का है, इसे गर्म रखना है। तुम अंडा सेक रहे थे? मैं मजाक नहीं कर रहा, वो अंडा मुझे दो। पता है क्या, मैं ये अंडा खा जाऊंगी और इसकी बदौलत मैं हमेशा जवान रहूंगी। क्या बकवास है ये, अगर तुमने उस अंडे को खा लिया तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है, इसे चूजा निकलने वाला है। लेकिन टवी ने कहा था अगर कोई बंदर ताजा अंडा खा ले तो वो हमेशा जवान रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने डार्जी को बताया था कि ये अंडे जवान होकर हमारे जंगल का भविष्य बनेंगे और इन्हें खाए जाने से बचाना होगा, ये नहीं कि हम इन्हें खाकर जवान बन सकते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। मुझे जवान होने वाला अंडा वापस लेकर आओ। Ha 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 ha!
मेरी प्यारी कूनों की डाली, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, हिलना मत। चाहिए था। तुमने सही कहा, इस तरह की हवा में उड़ना अच्छा आइडिया नहीं था मेरी प्यारी। हमें चलना चाहिए, ये हवाएं हमें अब भी चौंका सकती हैं। इनसे मुझे छींके आ रही हैं। हाँ ऐसा होता है, ये सरसों है, क्या तुम एक पौधा तोड़ सकते हो मोगली? इस तरह मेरा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। पहाड़ी से डर जाएंगे। हाँ हाँ। तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, वो अंडा उसे हमारे हवाले कर दो। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मुझे परिवार से मिलना बहुत अच्छा लगता। तुमने वो सुना बलू? जल्दी चील। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। अब बस हम दोनों ही हैं, मेरे मोटे भालू। मैं ये नहीं देख सकती, ये बहुत भयानक है। हट जाओ बलू। वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ, इंसान का बच्चा भी आ गया। 3, 2, 1। रुक जाओ। अब बस हम ही बच्चे हैं, मुझे जीत की मीठी खुशबू आ रही है, इंसान के बच्चे। मेरा अंडा। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ये पौधा लाने नहीं गया होता तो ये नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अच्छी किस्मत कैसे ला सकता है। ये किसी जादू की वजह से अच्छी किस्मत नहीं लाता। सरसों से बिल्लियों को परेशानी होती है क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये नन्हे मुन्नों को बचाता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे अंडे की देखभाल करने के लिए शुक्रिया बलू। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने अपना वादा निभाया है। कितना प्यारा है। काट
रही हैं जुएं, पीठ खुजाओ, जंगल के राजा करेंगे मदद, डरने की कोई नहीं बात, हम आएंगे मदद करने, चाहे झाड़ियां आएं या आज तुम नहीं या मैं नहीं। हार से तो अपनी पुरानी दुश्मनी है। मैं नहीं बचूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने आखिरी पलों को जीने दो। नंगू बीमार है। हे, जरा ये देखो। भगवान के लिए, कुरन, अब तो क्या करूंगी? शांत हो जाओ डार्जी, इसे बस जुकाम हुआ है। रंगो हमेशा नौटंकी करता है। देखो, मुझे एक ड्रैगन फ्रूट मिला। तो क्या, तुम्हें एक फल मिला है? तुम देख नहीं सकते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रंगू बीमार है, वो बहुत बीमार है। नहीं, वो नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। हे, जरा मेरे ड्रैगन फ्रूट को देखो, मैंने इसे अकेले कूद कर एक बड़ी सी डाली से तोड़ा है। ओ, माफ करना, हम जल्दी में हैं, फिर कभी रिकी। हे, मेरा ड्रैगन फ्रूट देखो, हूँ ना मैं वन मैन आर्मी। जरा देखो तो सही। सिर्फ इसलिए तुमने हमें नींद से जगाया? वो भी सिर्फ एक फल के लिए। हाँ, असल में नहीं, इसलिए कि मैं बीमार हूँ। तुम्हें जरूर जुकाम हुआ होगा। सारे जंगल में जुकाम फैला हुआ है। लेकिन मेरी नाक में दर्द है। मेरी नाक बंद है, मैं कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा हूँ और मुझे गर्मी लग रही है, बहुत बहुत गर्मी। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी, मैं नहीं चाहता तुम्हें जंगली बुखार हो जाए। क्या हो जाए? खांसी है और बंद नाक भी, पसीना भी। बदकिस्मती से रिकी, तुम्हें जंगली बुखार हो गया है। जंगली बुखार कितना खतरनाक होता है बलू? हम इसका इलाज कर सकते हैं और यह आसानी से फैलता भी नहीं है। रिकी को किसी कीड़े ने काट लिया होगा। अरे वाह, मतलब फिर सब कुछ ठीक है, मैं जाकर अपना फल खा सकता हूँ। मैंने कहा ये खतरनाक नहीं है, अगर इसका इलाज करें तो। हमें बस काली पहाड़ी के ऊपर जाकर थोड़ा गिंको बलोबा लाना होगा। क्या काली पहाड़ी? तुम्हारा मतलब यहाँ सभी जानवरों को जाना मना है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है? तुम पगला गए हो क्या? खतरनाक बीमारी का इलाज भी खतरनाक होता है, चलो चलें। वो मैं क्या कह रहा था, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मेरे बिना तुम्हें चलने में भी आसानी होगी, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। और तुम्हारे बुखार का क्या? चलो, तुम हमारे साथ आ रहे हो, हमें तुम पर नजर रखनी होगी। मालिक, मालिक। मेरी नाक इतनी बंद हो चुकी है कि मैं तुम्हें आते हुए भी नहीं सूंघ सकता। मुझे पता है आपका इलाज कैसे करना है मालिक। जोर से बोलो या नजदीक आ जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो नेवला बीमार है ठीक आपकी तरह, ये जंगली बुखार है। बलू और मोगली उसका इलाज करने के लिए काली पहाड़ी पर जा रहे हैं, अगर हम उनका पीछा करें तो आपको दवा मिल सकती है। और इंसान का बच्चा, ये तो बहुत बढ़िया इलाज होगा। सही कहा, और ये किसकी बदौलत? मैं भी आ रहा हूँ। घबराओ मत। मैंने झूठ बोला, मैं झूठा हूँ। तुम सबको जगाकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बस बातें बना रहा था। वो खांसी, बंद नाक, बुखार। डर की वजह से तुम ऐसी अजीब बातें कर रहे हो, कोई पागल ही होगा जो जंगली बुखार होने का नाटक करेगा। सही कहा, ये बुखार ही है, मैं बिना कुछ भी बोल रहा हूँ। डरने की बात नहीं रिकी, अगर तुम बुखार से काम पर हो तो ठीक है। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम जल्दी वापस लौट जाएंगे।
हिम्मत दिखाइए मालिक, इससे मत डरिए। याद रखिए, हमें उस इंसान के बच्चे को पकड़ना है और खाना है। जब भी आपको डर लगता है, क्या आप हमेशा इसी तरह भीगी बिल्ली की तरह म्याओ करते हैं मालिक? मेरी दवा तैयार हो गई। खुशबू तो अच्छी आ रही है। अगर आप बीमार ना हो और ये दवा ले लें तो उल्टा असर पड़ सकता है। बढ़िया, अब मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मुँह में आग लगी है। समझ नहीं आया बलू, तुम्हारी दवा से इसे ठीक हो जाना चाहिए था, ना कि और बीमार। मेरे मुँह में आग लगी है। गिंको बुलोबा काम कर रही है और ये इसका शुरुआती असर है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारी वजह से बीमार हो गया। मैं बीमार हूँ, बीमार, बहुत बहुत बीमार। हमारी वजह से? रिकी की ऐसी हालत बुखार की वजह से है। हमें दवा के असर होने का इंतजार करना होगा। अगर मोगली की बात सही हो और तुमसे गलती हो रही हो तो बलू? कोई बीमारी मुझसे बच नहीं सकती। हम उत्तर दिशा से नीचे जाएंगे। मैंने हार नहीं मानी है। ये जरूर बलू की दवा ही होगी। जल रहा है, मुझे अपना गला साफ होते हुए महसूस हो रहा है और अपनी नाक भी। ठीक है, अब वो इंसान का बच्चा मेरा है। अब इंसान का बच्चा हमारा है। सब चल रहा है, सब चल रहा है। मैं ऐसे पिघल रहा हूँ जैसे धूप में शहद। तुमसे कोई गलती हुई है बलू, रिकी को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। और अजीब लग रहा है। खांसी, बंद नाक और तेज बुखार का मतलब है जंगली बुखार। इसके इलाज के लिए मैंने गिंको बलोबा और दूसरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। होशियार लोगों से भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं बलू। समझ गया, मुझे थोड़े खट्टे नींबू चाहिए बंजर द्वीप से। वो तो काली पहाड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जगह इंसानों के गांव के नजदीक है। मैं इंसानों की बस्ती के पास नहीं जाऊंगा। अरे देखो तो, मैं तो फिर से तंदुरुस्त हो गया। मतलब लगभग लगभग। जल्दी करो। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हारी वजह से इंसान के बच्चे को हाथ से नहीं जाने दे सकता। रुको रुको रुको, मैं जानबूझ के बीमार होने का नाटक कर रहा था और इसलिए वो दवा मुझ पे उल्टा असर कर गई। बुखार की वजह से तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तुम बीमार होने का नाटक करने जैसा काम कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारी बीमारी की वजह पौधे हैं। हाँ, नहीं तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वाव, ये है वो सुनसान द्वीप। ये तो शानदार है। मैं ठीक हो गया तुम्हारी बनाई दवा की बदौलत मेरे प्यारे भालू। इतना ठीक कि अब मुझे किसी शेर जितनी भूख लगी है। इसलिए अब मैं इस इंसान के बच्चे को खाने वाला हूँ। इंसान, सब मेरी गलती है। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर। तो तुम वाकई बीमार होने का नाटक कर रहे थे। एक मिनट, तुमने बीमार होने का नाटक किया, तुमने दवा ली और फिर तुम बीमार पड़ गए। और अब तुम बीमार हो तो इस वजह से। अरे हाँ, खट्टे नींबू तुम्हें ठीक कर सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बहुत ही खट्टा है, लेकिन मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ठीक हो गया। यीहो! सोच रहा हूँ तुम्हारे शरीर के किस हिस्से से शुरू करूँ। इंसान के बच्चे, क्या कहते हो टबाकी? क्या, कहाँ रहते हो? बलू, बगीरा, उठो। ये तुम्हारा अंत है इंसान के बच्चे। मेरे लिए रुकिए मालिक। वादा करता हूँ फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
मुझे बस थोड़ी तारीफ चाहिए थी। जरा सोचो, मैंने तुम्हारी अक्ल पर शक किया बलू। जलन हो रही है, ये कब खत्म होगी? <या। laughs>